wash your hands. Effective way to wash your hands, वो सीखते हैं. तो सबसे पहले जब भी हम इससे स्टेरिलियम या सोप से हैंड्स वॉश करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है कि हैंड्स का हर एक पार्ट स्टरलाइज होता है. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम टैप में हाथ धो रहे हैं तो पानी के नीचे अपने हाथ को रिंस कर लेंगे, गीले कर लेंगे. तो सोप सॉल्यूशन पुश करके यहाँ से ऐसे डाल दिया, फिर हम सबसे पहले पाम्स के ऊपर रब करके जैसे नॉर्मल हैंड्स वॉश करते हैं वैसे करेंगे. ठीक है, फिर थोड़ा सा फोम बननी शुरू हो गई. उसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ये पीछे इन उंगलियों के बीच में ऐसे रब करेंगे, फिर दूसरी तरफ ऐसे रब करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद उंगलियों को ऐसे रब करेंगे, राइट. ठीक है, उसके बाद अंगूठे को, फिर दूसरे अंगूठे को. ठीक है, और उसके बाद फिर ये उंगलियों के टिप्स को. ठीक है, फिर अपनी रिस्ट, फिर उसके बाद टैप के नीचे. कोशिश करेंगे कि ऊपर से पानी नीचे को ऐसे फॉल करे. ठीक है, फिर उसके बाद साफ टिश्यू पेपर, कोई न्यूज़पेपर जो स्टरलाइज की बार रख करके रख लेते हैं उससे, या स्टरलाइज क्लॉथ के साथ इसको मॉप ड्राई करो. ये नहीं है कि सबसे हाथ धोए और फिर किसी पुराने टंगे हुए टॉवल से उसको अगर पहुंच लिया तो दैट इज नॉट ए गुड आइडिया. ठीक है, सभी को आ गया हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश. चलो अब सभी बारी बारी से करके दिखाएंगे. सबसे पहले डॉक्टर साहब करेंगे, पानी से हाथों को गीला करना है, फिर उसके बाद सोप ले लेनी है, फिर अपने पाम्स को रब करना है, फिर उसके बाद अपने बैक को लोशन को दोनों साइड से करना है, फिर फिंगर्स को करना है, फिर अंगूठे को करना है, फिर उसके बाद अपना ग्लो करना है, फिर उसके बाद अपने नेल्स को दोनों तरफ से, फिर इसको और फिर ग्लो करना.